हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल MICS टेक एजुकेशन में। MS वर्ड के बारे में आगे के लिए मैं आपको इस ट्यूटोरियल में बता। आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में सीखेंगे इलस्ट्रेशन ग्रुप। लेकिन दोस्तों, यदि आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मुझे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। यदि आपको मेरे बताए हुए तरीके में कोई प्रॉब्लम लगे तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो हम शुरू करते हैं दोस्तों आज का टॉपिक। सबसे पहले हम MS वर्ड 2007 का वर्जन ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, आपके सामने 2007 वर्ड ओपन हो रहा है। इसके बाद में हमने जब पिछली वीडियो में स्टडी किया था तो हमने इंसर्ट टैब में पेजेस और टेबल्स ग्रुप को कवर कर लिया था। आज हम इलस्ट्रेशन ग्रुप पढ़ेंगे, जिसका फर्स्ट ऑप्शन है पिक्चर। पिक्चर मीन्स इंसर्ट अ पिक्चर फ्रॉम अ फाइल। यदि आपको अपनी फाइल में से कोई पिक्चर लेनी है तो आप क्लिक करिए और पिक्चर्स में जाइए। जैसे मैंने ये वाली पिक्चर ले ली है, जैसे ये पिक्चर आएगी यहां पे नया मेन्यू आ जाएगा, फॉर्मेट मेन्यू। तो इस मेन्यू में सबसे पहले हमें ऑप्शन कौन सा यूज करना है, टेक्स्ट रैपिंग। यहां पे क्लिक करेंगे और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, अदरवाइज आप इस पर राइट क्लिक करके भी इसका यूज कर सकते हैं। ये देखिए टेक्स्ट रैपिंग और इन फ्रंट ऑफ, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे अब ये मूव करने लगेगी, इसको आप ड्रैग करके कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। अब इसी फॉर्मेट में सबसे पहला ऑप्शन है ब्राइटनेस। इसी फोटो में यदि आपको ब्राइटनेस कम ज्यादा करनी हो, आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों फोटो में ब्राइटनेस कम हो रही है या फिर ज्यादा हो रही है, मैंने इसकी थोड़ी सी डार्क कर दी है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका कंट्रास्ट। कंट्रास्ट में कोई सा भी आपको कंट्रास्ट सेट करना हो तो आप कंट्रास्ट सेट कर सकते हैं। ये देखिए रीकलर, आपको इसके कलर का बैकग्राउंड अगर चेंज करना हो चेंज कर लीजिए। कॉम्प्रेस पिक्चर, कॉम्प्रेस पिक्चर को हम कब यूज करते हैं, जब हमारे पास में कई सारी पिक्चर हो। अप्लाई द सिलेक्टेड पिक्चर्स, ओके कर देंगे तो ये अब मूव भी करने लगेगी, और नहीं तो आप कोई फोटो और इंसर्ट करेंगे तो ये उसके पास में आ जाएगी। चेंज पिक्चर, फोटो को यदि आपको बदलना है तो आप यहाँ से चेंज कर लीजिए। जैसे मैंने चेंज कर दिया तो यहाँ पे दूसरी पिक्चर आ गई है और मैं कंट्रोल जेड से दुबई ले लेती हूँ। रीसेट, रीसेट करने से ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगी जैसी ये पहले थी। मैं इसको कंट्रोल जेड से रीडू कर देती हूँ। अब ये देखिए, ये इसके बॉर्डर है, आपको जौन सा भी डालना हो इसमें, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपको जौन सा पसंद हो आप वो ऑप्शन डाल सकते हैं। पिक्चर शेप, आपको यदि ये वाली शेप नहीं अच्छी लग रही है, आप कोई और शेप लेना चाहते हैं तो आप कोई और शेप ले सकते हैं। बॉर्डर देना है आपको पिक्चर में, कितना मोटा देना है, जैसे आपको इतना मोटा बॉर्डर देना है। बॉर्डर में आपको लाइनिंग कलर भी देने हैं तो आप कलर दे दीजिए। ये देखिए दिख रहा होगा आपको, मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। ये देखिए ठीक है ना, वो एक्चुअली शेप ही इस तरह की है इसलिए इसका बॉर्डर थोड़ा सा इस तरह का आ रहा है। यदि मैं यहाँ पे इस तरह की शेप ले लेती हूँ और अब आप पिक्चर बॉर्डर देखेंगे, ये देखिए ठीक। और अगर यार बॉर्डर में कलर डाल देंगे तो आप ये देखिए ओके। तो अगर आपको डैशेज वाला बॉर्डर चाहिए तो ये डैशेज वाली डिजाइनिंग है, डैशेज वाला आप ले लीजिए, डैशेज वाला आने लगेगा, उसमें आपको कलर भी डाल सकते हैं। ये देखिए इफेक्ट्स प्रीसेट में ये प्रीसेट हो जाएगा, और यहाँ पे शेडो देनी है अगर आपको किसी भी फॉर्म में तो आप शेडो दे दीजिए, शेडो आने लगेगी। सॉरी रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन में नीचे आपको परछाई लेनी है तो आप परछाई दे सकते हैं। ये देखिए दिखाई दे रही होगी आप लोग को दोस्तों। यहाँ पे ग्लो देना है आपको इसके चारों तरफ तो आप ग्लो दे दीजिए, ग्लो आने लगेगा इसके चारों तरफ। ये देखिए आ रहा है ऑरेंज शेड में। सॉफ्ट एजेस में ये थोड़ा सा सॉफ्टनेस आ जाएगी पिक्चर में, स्मूथनेस दिखाई देने लगेगी आपको इसके चारों तरफ। रेवाइल में ये थोड़ा सा उभरा हुआ दिखाई देने लगेगा। ये देखिए दोस्तों ये उभरा है दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे ये कोने से थोड़ी सी फोटो उभर रही है। 3D रोटेशन, आपको ये घूमता हुआ चाहिए, लेटा हुआ चाहिए, जैसा भी आपको चाहिए आप अप्लाई कर दीजिए या उस तरीके से आपकी फोटो मूव हो जाएगी। पोजीशन, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, ये वाले ऑप्शन आप पेज लेआउट में मुझसे सीखिएगा। ये देखिए ये वही वाले ऑप्शन दोबारा यहाँ पर आएंगे तो मैं वहां पे आपको ज्यादा अच्छे से तरीके से बताऊंगी। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट का क्या यूज है देखते हैं। जैसे मैंने अपने कर्सर को यहाँ पे सेट कर लिया, ये
दोस्तों, आपके राइट साइड पे एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। आपने कंप्यूटर से डिमांड करी कि आपको कैट की फोटो चाहिए, कैट। आपने कैट टाइप किया और इसको कर दिया गो। तो कह रहा है डू यू फॉर, यस हमने कर दिया इसको। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कैट की जो भी कंप्यूटर के पास जिस भी तरीके की फोटोज हैं आपको उसने दे दिए। देखिए बहुत सारी फोटोज दी हैं कैट की, बहुत सारी। नीचे आप ड्रैग करके देखेंगे तो बहुत सारी फोटोज दिख रहे ना आपको। जौन सी भी पसंद हो आप उस पर क्लिक करिए, फोटो यहाँ पर आ जाएगी। ओके कर देते हैं इसको। ये वाली फोटो नहीं आ रही है, इसको इंसर्ट करके देखते हैं। ये वाली आ गई है, वो थोड़ा साइज का इशू था। अब जैसे ही हमने ये फोटो ली वैसे ही वही वाले ऑप्शन आ गए जो मैंने आपको भी बताया पिक्चर से रिलेटेड। तो आप कोई भी डिजाइनिंग इसमें डाल सकते हैं। मैं आपको पहले बताया था इसमें कैसे डिजाइनिंग दी जाती है, ये देखिए, ठीक है ना। तो ये सब आप उसी तरीके से कर लेंगे। तो क्लिप आर्ट का क्या काम होता है, यदि फोटो आपके पास नहीं है तो आप कंप्यूटर से डिमांड कर सकते हो। अगर उसके पास होगी तो वो डेफिनेटली आपको दे देगा। यहाँ पे जब भी आप फोटो ले रहे हैं तो यहाँ पे एक एरो बन गया है ना, इस पर क्लिक करेंगे। यदि आपको कहीं लेके जाना है तो आप कॉपी भी कर सकते हैं इसको। और ऑफलाइन करनी है यानी कि ये नेट से आई है, अगर ऑफलाइन चाहिए तो ये दो चार ही फोटो आपको देगा। मेरा ऑनलाइन है तो इसीलिए इसने बहुत सारी फोटो इसने दिखा दी है। नेक्स्ट ऑप्शन है शेप्स। शेप्स का क्या काम है, इसमें बहुत सारी शेप्स हैं। जैसे सबसे पहला ऑप्शन है आपका शेप्स में टेक्स्ट बॉक्स। आप टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करके ट्रैक कर लीजिए टेक्स्ट बॉक्स। इसमें कर्सर आ गया है, आपको कोई भी चीज़ टाइप करनी है आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है ना। जैसे ही आप ये टेक्स्ट बॉक्स लेंगे तो यहाँ पे एक फॉर्मेट ऑप्शन दोबारा आ जाएगा, अगर सिलेक्ट है तो, ठीक है ना। अगर आपको टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना है तो ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स करिए, और नहीं करना है तो आप इस पर दोबारा क्लिक कर दीजिए। टेक्स्ट की डायरेक्शन आपको चेंज करनी है, देखिए हो रही है चेंज। क्रिएट लिंक और ब्रेक लिंक का यूज मैं आपको नेट जो कनेक्ट होगा हाइपर लिंक में बता दूंगी, उसका यूज तब समझ में आ जाएगा आपको। ये इसके बैकग्राउंड कलर है, आपको जौन सा भी कलर देना हो, ये देखिए, ओके। शेप फिल, आपको कोई भी शेप भरनी हो, आपको पिक्चर लगानी हो इसके बैकग्राउंड में कोई भी, जैसे आप चाहते हैं टेक्स्ट भी लिखा रहे और वो भी हो, तो ये देखिए, ओके। उसके बाद शेप फिल में दोबारा क्या है, ग्रेडियंट। आप कलर बना सकते हैं, जैसे मोर ग्रेडियंट्स में आप जाएंगे, आपको अपनी मर्जी का कलर चाहिए। जैसे वन कलर में आपने क्लिक किया तो आपने ले लिया रेड, टू कलर में क्लिक किया आपने ले लिया येलो, तो ये देखिए दो कलर बन गए। आपको जौन सी भी डायरेक्शन पसंद हो वो आप ले लीजिए, वो आ जाएगी। उसके बाद में शेप फिल में टेक्सचर अगर आपको कोई डालना है तो आप टेक्सचर डाल लीजिए, टेक्सचर आ जाएगा। यहाँ पे पैटर्न भी आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं, जैसे आपने एक ले लिया ब्लू कलर और एक ले लिया रेड कलर, तो ये पैटर्न बन गया। आप पैटर्न भी डाल सकते हैं, पैटर्न आ जाएगा आपके पास। और अगर आपको कलर कोई भी नहीं भरना है तो नो फिल कर दीजिए, ब्लैंक हो जाएगा। आउटलाइन देनी है आपको इसके चारों तरफ, आप आउटलाइन दे दीजिए। आउटलाइन में कलर डालना है, कलर डाल दीजिए। शेप बदलनी है, आप कोई शेप पसंद नहीं है आप कोई सी भी शेप ले सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। शेडो, इसकी डायरेक्शन 3D, 3D में आपको 3D कलर पीछे का बैकग्राउंड कलर करना है, आप कलर चेंज कर दीजिए। डेप्थ, इसकी गहराई बढ़ानी है आपको जितनी भी, तो आप ये बढ़ा सकते हैं। डायरेक्शन और हो गया। लाइटिंग, पीछे का कलर देखिए लाइट डार्क हो रहा होगा, ब्राइट करना है, नॉर्मल, डिम करना है, वैसा कर लीजिए, वैसा होने लगेगा। उसके बाद में लाइटिंग सरफेस, आपको मैटी चाहिए मैटी में आ जाएगा, मेटल में चाहिए मेटल में आ जाएगा, जिस तरह फॉर्म में चाहिए। ये भी इसकी डायरेक्शन के लिए देख पा रहे होंगे आप लोग, ये देखिए। फिर वही पोजीशन वाले ऑप्शन है, ये मैं आपको नेक्स्ट वाली उसमें बता दूंगी, ऑप्शन में पेज लेआउट में आ जाएगी। अब सबसे मेन बात क्या है इसमें, शेप्स में आपने इस वाली शेप में तो वर्क किया, लेकिन आपको इसके अलावा यदि कोई और शेप चाहिए, जैसे आप इस वाली शेप में लिखना चाहते हैं, अब इसमें तो कर्सर ही नहीं आ रहा, तो हमें क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है और ऐड टेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप ऐड टेक्स्ट करेंगे तो देखिए इसमें कर्सर आ जाएगा, आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। और सेम सेम की सेम सेम टू सेम वही की वही फॉर्मेटिंग आप इसमें कर सकते हैं जो आपने इस वाली उसमें करी। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं स्मार्ट आर्ट और चार्ट दोनों को बताऊंगी, साथ में ये वाले ऑप्शन भी बता दूंगी, क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। और दोस्तों यदि आप लोगों को मेरी वीडियो में बताए हुए तरीके में कोई दिक्कत लगे या कोई चीज़ ना समझ आए दोस्तों, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं और बेहतर तरीके से आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच।